बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक। टुडे आई एम विद अ न्यू लेक्चर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मॉडर्न प्रोज, मॉडर्न प्रोज नंबर 6। आवर टुडेज टॉपिक इज, लुक एट द बोर्ड, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, एक बंदा जो अपनी जात में हस्पताल था। In fact, look at this title. It's inviting title, really inviting title. Look at this invitation. The man who was a hospital means having a hospital. He was the owner of hospital. No, he wasn't. In fact, he was hospital in himself. When this thing comes into mind, the hospital is a place where there are a number of patients, variety of patients. Yes, he was the person who has a variety of diseases in himself, variety of diseases, almost all the diseases except one. And he was definitely, he was feeling insulted over this invidious reservation. Why didn't he has that particular disease, particular malady that is called housemaid's knee? He felt insulted over that. एक एक्सेप्शन क्यों, वाई दिस इनविडियस एक्सेप्शन टू मी। सो लुक एट द मेन आइडिया, लुक एट द मेन आइडिया ऑफ दिस। इट इज रिटन बाय जीरोम के जीरोम, जीरोम कैलन जीरोम्स, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। द मेन आइडिया इज, लुक एट दिस बेटा, इट विल जस्ट क्लियर एवरीथिंग टू यू। अ मैन शुडंट ट्राई टू डू दोज थिंग्स। एक बंदे को वो काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए विच ही डजंट अंडरस्टैंड, जिन्हें वो नहीं समझता, जिनकी उसे सूझबूझ नहीं है। लेट द स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स डू देयर जॉब। तो जिस काम के माहिर होते हैं, जो जिस काम के स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हीं को उनका काम करने दें, एंड नेवर मैडल इन टू देयर अफेयर्स, और उनके मामलात में कभी दखल अंदाजी ना करें। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, सच एन एक्ट मे लीड अ पर्सन, इस तरह का कोई अमल एक इंसान को लेके जाएगा टू डेवस्टेटेड कंक्लूशंस, कहीं वो कोई बहुत ही तबाहकुन, कोई मोहलिक, कोई फैटल किस्म के नतीज पे ना पहुंच जाए। बेटा इट्स प्योरली कॉमिकल ऐसे। अगर इसके सेलियंट पॉइंट्स पे जाने से पहले देखे बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इंसान के साथ, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अगर बीइंग अ नेशन हम देखें तो हम मोर देन 1/3 of our nation is doctor, and almost more than half of the population are habitual of self-medication. खुद ही दवाइयाँ खाते रहते हैं, और almost हकीम भी और डॉक्टर भी खुद ही होते हैं। मुश्ताक यूसुफी सब लिखते हैं कि मैंने आज तक कोई ऐसा बात तहजीब इंसान नहीं देखा जो किसी बीमार की तीमारदारी के लिए जाए और उसे दो इलाज बता के ना आए, जबकि वो खुद बुरी तरह से खांस रहा होता है, जोड़ों में उसके दर्द हो रहा होता है, दूसरे को उसी बीमारी का इलाज बता रहा होता है, खुद ईसीजी जेब में डाली होती है और दूसरे को दिल की बीमारियों की का इलाज बता रहा होता है। वो उनको हकीमों की दवाइयां बताएगा, कोई देसी फार्मूले को टोटके बताएगा, और खुद स्पेशलिस्ट से इलाज करवा रहा होता है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। आप अपने सराउंडिंग्स में इस तरह के बहुत सारे, आजकल तो जिस तरह ये पेंडेमिक फैला हुआ, हर दूसरे रोज कोई नया इलाज आ जाता है, कोरोना का कोई एक नया से नया इसके अगेंस्ट कोई ना कोई मैलेडी, इसके खिलाफ कोई ऐसी रेमेडी आ जाती, कोई दवाई आ जाती, कोई जड़ी बूटी आ जाती है, और वो लोग उसके पीछे भाग भी पड़ते हैं। जबकि ऐसे है कि मेडिकल साइंस सीधी सीधी कह रही है ये बात, रिलीजियस एलिमेंट्स ने भी कहा, मेडिकल साइंस ने भी कहा कि ये एक तिब का, मेडिकल का ये प्रॉब्लम है, और लेट देम सॉल्व, उनको ही सॉल्व करने दे, ये उन्हीं से ही ठीक होना है। लेकिन बहरहाल शॉर्टकट्स होते हैं, सुपरस्टिशियस लोग होते हैं, अमीनियस होते हैं, और तवाहम परस्तियां तो बहरहाल मौजूद होती है, और ये साइकोलॉजिकल अप्रोच होती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ लोगों में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ही पाया जाता है, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स जो है वो पढ़े लिखे लोगों में भी होते हैं, तो थोड़ा कमजोर किस्म का बिलीफ रखते हैं।
और डेफिनेटली डेवलप कंट्रीज के अंदर भी, चूंकि ये राइटर एक डेवलप कंट्री का है, इंग्लिश राइटर है, तो इसने भी ऐसा लिखा है, तो डेफिनेटली फिर उन लोगों में भी ऐसी इस तरह की चीजें पाई जाती होगी, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है. लुक एट द सेलियंट पॉइंट्स ऑफ दिस एसे बेटा, इट इज अ डिस्क्रिप्टिव एसे. कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था एसे की जो टाइप्स बताई थी उसमें डिस्क्रिप्टिव एसे के बारे में बताया था, इट इज अ हिस्टोरिकल एसे, इट टेल्स अ स्टोरी एंड यू आर गोइंग टू श्योरली एंजॉय दैट पर्टिकुलर एसे विच वी आर गोइंग टू रीड टूडे. इट इज अ डिस्क्रिप्टिव एसे, इट इज अ हिलेरियस कॉमिकल एसे, बड़ी जबरदस्त किस्म की, बड़ी खुश दिल किस्म की, इसमें कॉमेडी मिलेगी आपको. अब हुआ क्या है इसके अंदर, कुछ किस्सा यूं है, किस्सा कुछ यूं हुआ, द राइटर इज कन्विंस्ड, वो पूरी तरह से कायल है दैट इज लिवर इज आउट ऑफ ऑर्डर, कि उसका जिगर खराब है. बात यहां से शुरू होती है. कैसे पता चला उसको, अबाउट विच ही कम्स टू नो बाय रीडिंग अ पैटेंट लिवर पिल सर्कुलर. एक उसने बड़ा मुस्तनद जिगर की दवाइयां बनाने वाला इश्तहार पढ़ लिया था. अब वो कोई ऑथेंटिकेटेड मेडिसिन थी या ये बसों वगैरह में ट्रेन में जो दवाइयां बेचते हैं, या इनकी तरह थी जो एक ही दवाई से कम 66 इलाज तो कर ही लेते हैं, तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक दवाई काफी सारी. लेकिन ये कोई बड़ी स्पेशलिस्ट किस्म की किसी हकीम का था या किसी मेडिसिन कंपनी का था, उसने एक जिगर की दवाइयां बनाने वाली कंपनी का इश्तहार पढ़ लिया और उसमें कुछ सिम्टम्स लिखे हुए थे, अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपको ये बीमारी है. अगर इस तरह होता है ना तो इंसान एक साइकोलॉजिकली आता है कि अगर आप में अलामत हैं, ये अलामत हैं तो आप बीमार हैं, तो इंसान नेचुरली इंस्टिंक्टिवली नेगेटिव साइड की तरफ चला जाता है. वो मुझे भी हो रहा है, लाइक आजकल है कि अगर फ्लू है, कफ है, फीवर है, वो हर एक को लगता है हल्का सा फीवर होगा, वो कहीं मैं फंस तो नहीं गया. हालांकि नॉर्मल हालात में भी शायद ऐसा होता रहा हो, बहुत सारे लोग हैं जिनका नज़ला कभी ठीक ही नहीं हुआ, जिनको खांसी लगी रहती है, फीवर हल्का सा रहता ही है, लेकिन आजकल के दिनों में अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली उसका सबसे पहला शक जो COVID-19 की तरफ चला जाता है. इसी तरह से उसको जब उसने लिवर पील सर्कुलर की एक पैटर्न जो सर्कुलर पड़ा, उसके अंदर सिम्टम्स पड़ी, तो उसे लगा कि मैं तो जिगर के आरजा में मुबतला हूं. वो क्या करता है, उसके बाद उसे सोचा आई आउट टू सर्च अबाउट दिस डिजीज. तो उस रिसर्च के लिए वो क्या करता है, गोज टू द लाइब्रेरी ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम. लंदन में है ये ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर की लाइब्रेरी है, वहां जाता है टू रीड अप द ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर. उसे तपे का ही बुखार था, एक खुश्क बुखार भी इसे कहते हैं, विच ही फैंसीज ही हैज, जो कि उसको जो इमेजिन करता था, उसका ख्याल था कि उसको हे फीवर है. उसका इलाज पढ़ने के लिए वो ब्रिटिश म्यूजियम गया. इस चीज ने बताया कि वो पहले से ही कुछ स्केप्टिक किस्म का, डाउटफुल किस्म का, शक्कील कलब बंदा है. अच्छा, जब वो चला जाता है लाइब्रेरी के अंदर तो फार्माकोलॉजी एक ऐसी किताब होती है जिसमें तमाम एलिमेंट्स लिखी होती हैं विद सिम्टम्स. वाइल रीडिंग फार्माकोलॉजी, वो जो फार्माकोलॉजी की बुक, जो डिजीज की बुक पढ़ते हुए फ्रॉम ए टू जी वो सारे जितनी भी बीमारियां आ रही हैं वो सबको ही पढ़ डालता है. जा गया तो वो एक पढ़ने था, उसने कहा कि चलो बैठे हैं, ये भी पढ़ देते हैं. ही कम्स टू नो द कंक्लूजन. जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे हर बीमारी को पढ़ता, उसकी सिम्टम्स देखता, तो उसे लगता मुझे ये भी है, मुझे ये बीमारी भी है, मुझे कॉलरा भी है, मुझे टाइफाइड भी है, ये तो मुझे पैदाइशी तौर पर है, मुझे डिप्थेरिया भी है, और सारी की सारी उसको दैट ही हैज ऑल द मैलेडीज विच आर रिटन इन इट, जो इस किताब में दर्ज है, एक्सेप्ट हाउसमेट्स नहीं. ये खवातीन के जोड़ों के दर्द की बीमारी होती है, बस ये एक बीमारी उसे नहीं थी, बाकी उसे लगा कि मुझे सारी दुनिया जहान की बीमारियां. अब जब उसे ये पता चला कि मुझे सारी बीमारियां हैं और एक नहीं है, ही फेल्ट डिसप्लीज्ड, ही फेल्ट इंसल्टेड. Owing to be deprived of this only disease,
इस वाहद बीमारी से महरूम होने की वजह से ही फील्स इट इज इंसल्ट, वो इसे अपनी इंसल्ट तसव्वुर करता है, बट जेनरसली डिसाइड्स। लेकिन फिर उसके अंदर बड़ी सेल्फिश किस्म की फीलिंग्स प्रिवेल कर गई थी, तो फिर उसने थोड़ा लेस ग्रैस्पिंग फीलिंग्स उसके अंदर आई और उसने बड़ा फयाजाना तरीके से फैसला किया टू लीड हिज लाइफ विदाउट इट, चलो इसके बिना ही जिंदगी जी लेंगे, अब जीना ही पड़ेगा, अगर एक बीमारी नहीं है चलो ये भी हो जाती तो क्या था, लेकिन अगर नहीं है तो अब मैं क्या कर सकता हूं, चलो इसके बिना ही जी लेते हैं। Look at this, another point, he deems himself a valuable acquisition for medical students. वो अपने आप को मेडिकल के तुलबा के लिए एक बहुत ही गिरा कदर विरसा समझता है, एक असासा तसव्वर करता है, बिकॉज ही इज अ हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपनी जात के अंदर अस्पताल है, वो सारी जितनी डिजीजेस है वो सारी ही सारी अपने अंदर कैरी कर रहा है, who has all the known diseases diseases in the medical world, जो medical की दुनिया जितनी बीमारियां जानती हैं उसके अंदर तमाम की तमाम diseases मौजूद थी except housemates नहीं। जब उसे ये पता चला, एक feeling आई पहले तो उसके अंदर, he sat pondered, he was pretending that I'm dismayed over that. He just entered into the library, a healthy, happy man, and he was just coming out from the library, just like a wrecked ship. जैसे तूफान की जद में आई हुई शिकस्ता हाल कश्ती की मानत हो, यू वो वहां से निकल रहा था, कितना मैं खुश था, खुशो खुरम सेहतमंद गया था, और अब मैं क्या बन के आ गया हूं। एनीवेज, बहरहाल मैं एक एसेट हूं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो क्यों ना किसी डॉक्टर को चेक करवाया जाए। अब आधी कौम तो सेल्फ मेडिकेशन करती है और बाकी अक्सरियत जो है ऐसे, अब केसेस भी देखेंगे कि जो बगैर वजह के डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, इनफैक्ट उन्हें प्रॉब्लम कोई नहीं होता बट उन्हें लग रहा होता है हमें कोई प्रॉब्लम है। इस तरह के केसेस जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत वैल्यूएबल एसेट होते हैं, क्योंकि बहरहाल उन्हें पता होता है ये हमारे पक्के कस्टमर्स हैं, इनको हमने साइकोलॉजिकली क्या देना है, शायद उस पर ज्यादा कॉस्ट ना आती हो और अपनी वो फी चार्ज करते हैं। क्योंकि अगर पेशेंट को ये कह देना कि तुम्हें है ही कुछ नहीं इस तरह का, तो एटलीस्ट जनरल प्रैक्टिशनर्स या कोई क्यों कहेगा, वो तो अपनी फी चार्ज करेगा। उसने भी सोचा कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाके उस पर एहसान करता हूं। फॉर दिस पर्पस ही सेलेक्ट्स अ डॉक्टर हु इज हिज चम, जो उसका लंगोटिया यार है, उसका चमी है, उसका बचपन का यार है, विद अ व्यू, इस नजरिया के साथ वो गया टू गिविंग अ फेवर टू हिम, कि उस पर एहसान करेगा। व्हाट अ डॉक्टर वांट्स प्रैक्टिस, इफ एनी डॉक्टर एग्जामिन्स मी thoroughly, he'll have, you know, a practice which he can have more than 1600 patients. एक डॉक्टर 1600 मरीज और ज्यादा देख के जो प्रैक्टिस लेता है, शायद मुझे देख अकेले को चेक करके उससे ज्यादा प्रैक्टिस मिल जाए। और मेडिकल के स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, दे डोंट नीड टू मूव फ्रॉम वार्ड टू वार्ड, बेड टू बेड, पेशेंट टू गेट देयर डिग्री, दे जस्ट कम examine me, have a round around me, मेरा तवाव करें, and get their degree and become doctors. Very simple. मुझे समझ आ गई, समझो उनकी medical की degree के वो मुस्तहिक हो गए, तो मैं कितना valuable asset हूं। तो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बड़े और तरीके से उसको ट्रीट करता है। In fact, लंगोटिया यार भी था, his doctor examines him in an unusual way. क्या करता है, उसके मुक्का मारता है यूं, जबकि एक्सपेक्ट कर रहा था शायद मुझे अभी इमरजेंसी कंडीशन में मुझे लिटा देगा, शायद मुझे अभी ऑक्सीजन लगा दी जाए, शायद वेंटिलेटर पर ही डाल दिया जाए, वो उसको मुक्का मारता है, फिर उसके अपने सर की साइड पे टकरे मारनी शुरू कर देता है डॉक्टर। तो वो ही वॉजंट एक्सपेक्टिंग, कहता है कितनी काविडाइस की बात है, कितनी बुजदिली की बात है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और आपको कोई इस तरह से आप पे हमलावर हो जाए।
उसे अच्छी तरह एग्जामिन करता है, उसे सीने पे मुक्का मारता है, साइड की टकरे मारता है एंड प्रिस्क्राइब्स हिम समथिंग, उसे कुछ प्रिस्क्राइब करता है, इनफैक्ट विच इज नॉट अवेलेबल ऑन मेडिकल स्टोर्स. वो उसी तरह उसको फोल्ड करता है और मेडिकल स्टोर ड्रग स्टोर्स पे जाता है तो वो एक्सक्यूज कर देते हैं, जो कि किसी मेडिकल स्टोर पे या ड्रग स्टोर पे अवेलेबल नहीं था, बिकॉज इट वॉज अ फार्मूला टू लिव हैप्पीली. एक फार्मूला इसमें लिखा था, इसमें वो मेडिसिन नहीं थी, किस तरह खुशगवार जिंदगी गुजारनी है. तो उसकी प्रेस्क्रिप्शन कुछ यूं थी, 1 pound बीफ स्टेक एवरी 6 hours, हर 6 घंटे के बाद बीफ गाय के गोश्त की स्टेक्स खानी है, हर 6 घंटे 1 pound. 10 miles वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 10 mile वॉक करनी है. बेड एट 11 sharp एवरी नाइट, हर रात हर सूरत ठीक 11 बजे सो जाना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स, और अपने दिमाग में वो चीजें मत भरो, उन चीजों को नहीं सोचना, यू डोंट अंडरस्टैंड, जिनको आप नहीं समझते हो, जिनको आप नहीं समझते हो, उन चीजों को अपने दिमाग में जगह नहीं देनी, ऐसी चीजों के बारे में आपने नहीं सोचना. सो एट द एंड व्हाट हैपेंड, ही एक्ट्स अपॉन हिज डॉक्टर्स एडवाइस, वो अपने डॉक्टर की एडवाइस पे अमल करता है एंड स्टार्ट्स लीडिंग अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, और बड़ी खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है. इनफैक्ट ऐसे पेशेंट को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. उसका दोस्त, डॉक्टर दोस्त जो था, वो समझ गया कि इसको प्रॉब्लम क्या है. इनफैक्ट उसका प्रॉब्लम यह था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, और उसका प्रॉब्लम यह था कि उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाए, और अगर उसे कुछ भी ना देता तो उसे कह देता तुम्हें कुछ नहीं है, तो शायद वो किसी और डॉक्टर के पास फंस जाता. उसने जो उसे एडवाइस किया यही बनता था, डाइट के साथ, वॉक के साथ, प्रॉपर स्लीप लेके, इतना वो उसकी जिंदगी हैक्टिक हो जाए, इतनी बिजी हो जाए कि वो अपने आप को यूजलेस ना समझे. अगर इस तरह की एक्टिविटीज या इस तरह की अगर ट्रीटमेंट होती है तो डेफिनेटली पेशेंट किसी ना किसी सूरत सेटिस्फाई हो जाता है, जिस तरह से राइटर अपने बारे में बताता है. तो लेट्स हैव अ लुक एट द टेक्स्ट बुक. आई गारंटी यू, यू आर गोना एंजॉय दैट पर्टिकुलर एसे, द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल. सो ओपन योर बुक ऑन पेज 20, द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल. जिरोम के जिरोम, इट वॉज माई लिवर डेवस आउट ऑफ ऑर्डर, मेरा जिगर खराब था. यस, हाँ, मेरा जिगर ही था जिसमें मसला था. आई न्यू इट वॉज माई लिवर, मैं जानता था कि ये मेरा जिगर था, डेवस आउट ऑफ ऑर्डर, जिसमें खराबी थी, बिकॉज आई हैड जस्ट बीन रीडिंग पैटेंट लिवर पिल सर्कुलर, चूंकि मैं अभी एक मखसूस, एक मुस्तनद किस्म का, एक मुस्तनद किस्म की जिगर की दवाइयां बनाने वालों का इश्तहार पढ़ रहा था, इन विच व डिटेल दी वेरियस सिम्टम्स, जिसमें मुख्तलिफ अलामात की तफसीलात बताई गई थी, विच अ मैन कुड टेल, जिसको पढ़ के कोई भी बंदा बता सकता था, व्हेन हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, के कब उसका जिगर खराब था. आई हैड देम ऑल, मुझे वो सब की सब डिजीजेस थी. इट इज अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग, एक बड़ी गैर मामूली चीज थी, बट आई नेवर रेड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टाइजमेंट विदाउट बींग इम्पेल टू द कंक्लूजन. लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसे हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अगर कोई ऐसी अद्वियात का कोई इश्तहार पढ़ा हो और मैं मजबूर हो के नतीजे पर ना पहुंचा हूं, दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज, के मैं उस खास बीमारी में मुबतला हूं, देयर इन डेल्ट विद इन इट्स मोस्ट विरुलेंट फॉर्म, जो कि मेरे अंदर इंतहाई शदीद हालत में मौजूद है. द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस टू कॉरेस्पॉन्ड एग्जैक्टली, जो तशखीस थी हर केस में वो एग्जैक्टली बिल्कुल उसके मुताबिक होती थी, विद ऑल दी सेंसेशंस, उन तमाम सनसनी खेजियत के बिल्कुल एन मुताबिक होती थी, दैट आई हैव एवर फेल्ट, जो मैं आज तक महसूस करता रहा. आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे, मुझे याद है
एक रोज मैं ब्रिटिश म्यूजियम गया टू रीड अप द ट्रीटमेंट ऑफ सम स्लाइट एलमेंट, एक मामूली सी बीमारी का इलाज पढ़ने, ऑफ विच आई हैड अ टच, जिसका मुझे एक हल्का सा एहसास था, हे फीवर, तपे काही या सूखा बुखार, आई फैंसी इट वॉज, मेरा ख्याल है कि यही था. आई गॉट डाउन द बुक, मैंने बुक शेल्फ में से, लाइब्रेरी में से, बुक शेल्फ में से एक किताब निकाली, एंड रेड ऑल आई केम टू रीड, और पढ़ दिया जो कुछ मेरे सामने पढ़ने के लिए आया. एंड देन इन एन अनथिंकिंग मोमेंट, फिर एक अनथिंकिंग से मोमेंट में, अदम तवज्जगी के लम्हे में, आई आइडली टर्न द लीव्स, मैं काहली से, इंडोलेंटली, सुस्ती से ऐसे बैठा, मैं यूं मैं वर्गरदानी कर रहा था, ऐसे मैं पेजेस उलट पुलट कर रहा था, ऐसे अनथिंकिंग मोमेंट में, ख्याल कहीं और था, बस नजर किताब की तरफ थी, ध्यान कहीं और था, तो मैं ऐसे पेजेस पलट रहा था काहली के साथ, एंड बिगेन टू इंडोलेंटली स्टडी डिजीजेस, और मैंने बड़ी काहली के साथ बीमारियां पढ़नी शुरू कर दी, जनरली जो आम तौर पे लोगों में होती है. आई फॉरगेट विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेंपर आई प्लंज्ड इनटू, मैं भूल गया कि वो कौन सी पहली बीमारी थी, डिस्टेंपर डिजीज, वो कौन सी पहली बीमारी थी जिसमें मैं मुब्तला हुआ था. इनटू सम फियरफुल devastating scourge, वो कोई बहुत ही खौफनाक, वो बहुत ही तबाह कुन, वो कौन सी बीमारी थी, आई नो, मैं जानता हूं. एंड बिफोर आई हैड glanced half down the list of premonitory symptoms, और इससे पहले कि मैं तकरीबन आधे से ज्यादा वो जब फेरिस पढ़ लेता जो तंबीही अलामात की थी, इट वॉज बॉर्न इन अपॉन मी, तो ये मेरे अंदर एक ख्याल पैदा हुआ that I had fairly got it. मैं जो भी पढ़ी जा रहा हूँ ये तो बड़े वाजे अंदाज में ये अलामात मेरे अंदर मौजूद हैं. मैंने जितनी पढ़ी सारी की सारी अलामात मेरे अंदर हैं. ओ माई गॉड, आई एम सो इल, मैं तब बीमार हूँ, मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर इतनी बीमारियाँ, मुझे पता ही नहीं था, और मैं ऐसे ही चलता फिरता आ रहा हूँ, मुझे तो गिर जाना चाहिए. आई सैट फॉर अ वाइल फ्रोजन विद हॉरर, मैं एक लम्हे के लिए बैठ गया जैसे खौफ से साकत. एंड देन इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिस्पेयर, और फिर मायूसी की बेजारी में, आई अगेन टर्न्ड ओवर द पेजेस, मैंने फिर से पेजेस पलटने शुरू कर दिया. आई केम टू टाइफाइड फीवर, पढ़ते पढ़ते फिर मैं मियादी बुखार पर आ गया. रीड द सिम्टम्स, उसकी इलामात पढ़ी, डिस्कवर्ड दैट आई हैड टाइफाइड फीवर. फिर जी मैंने दरियाफ्त कर लिया कि मुझे मियादी बुखार है. Must have had it for months without knowing it. और मुझे पता भी नहीं था, और यकीनन मैं महीनों से ये बुखार लेके फिर रहा था. Wondered what else I had got. फिर हैरे से सोचने लगा इसके अलावा मुझे क्या है. Turned up St. Vitus's dance. फिर St. Vitus's dance बीमारी पे आया. Found, पता चला ऐसे एक्सपेक्टेड जैसा मैं तवक्को कर रहा था, दैट आई हैड दैट टू, कि मुझे वो भी बीमारी थी. बिगेन टू गेट इंटरेस्टेड इन माय केस, और मैं अपने ही केस में बड़ी दिलचस्पी लेने लग पड़ा. एंड डिटरमाइंड टू शिफ्ट इट टू द बॉटम, और फिर मैंने इरादा किया कि मैं अब बॉटम से, तह से इसको तलाश करूं, मैं शुरू से इसको पढ़ूं. And so started alphabetically. इस तरह मैंने हरूफ़े तहज्जी के एतबार से उसको पढ़ना शुरू कर दिया. Read up again, यानी जो बीमारियाँ A, B, C इस तरह ऐसे लिखी होती हैं, तो मैंने जो alphabetically बीमारी आ रही थी तरतीब से पढ़नी शुरू कर दी. Read up again, फिर से पढ़ा. Learned that I was sickening for it. और मुझे ये पता चला मैं बीमार था इससे, ये बीमारी मुझे थी. And that the acute stage would commence in about another fortnight. और ये जो पर्टिकुलर बीमारी है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, सेंट विंसेंट डांस का, और इसकी शदीद हालत अगले 15 रोज में मुझ पे तारी होने वाली है. ब्राइट्स डिजीज, अब बी पे आ गया. ये आमतौर पे जो किडनीज होते हैं इसमें वर्म्स वगैरह बन जाते हैं, या इसकी सोजिश की बीमारी होती है. आई वॉज रिलीव टू फाइंड, बड़ा सुकून मिला मुझे ये जान के, मुझे बहुत सुकून मिला. आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, कि मुझे थी लेकिन थोड़ी तब्दील शुदा हालत में थी. एंड सो फार एज दैट वॉज कंसर्न, और जहां तक इस बात का ताल्लुक था
कि वो बीमारी मुझे थी, आई माइट लिव फॉर इयर्स, इस तरह इस बीमारी के साथ तो मैं कई सालों तक जी सकता था. कॉलरा, हैजा, आई हैड विद सीवियर कॉम्प्लिकेशन, और वो तो मुझे इंतहाई संजीदा पेचीदगियों के साथ था. एंड डिप्थेरिया और खनाक, आई सीम टू हैव बीन बॉर्न विद, उसके साथ तो लगता मैं पैदा हुआ था उसे लेके. आई प्लॉडेड कंसेंशियसली थ्रू दी 26 लेटर्स, मैंने इंतहाई दिल लगाकर वर्ग गर्दानी की और 26 के 26 जो लेटर्स थे उससे शुरू होने वाली जो बीमारियां थी मैंने इंतहाई नमाक से पढ़ी. एंड दी ओनली मैलेडी और वाहद बीमारी आई कुडंट कंक्लूड, आई कुड कंक्लूड, जो मैं नतीजा अखज कर सकता था, आई हैड नॉट गॉट, जो मुझे नहीं थी, वॉज हाउस मेड्स नी, वो थी घुटनों के दर्द की बीमारी, आमतौर पे घरों में खवातीन को हो जाती है. तो बेटा यहां तक आज इंशाल्लाह इसे खत्म करते हैं. रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी टॉट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, एंड विल फिनिश दिस वन. इट्स अ शॉर्ट वन, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग एसे, इट्स अ शॉर्ट वन बट वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप यू हैव हैड एंजॉयड दैट, एंड आई होप यू वुड बी waiting impatiently, you would wait for that impatiently for the next one, what would happen next, aage kya hua hoga, aap iska intezar karenge. Aap apni textbook se ja jitna padha hai iske synonyms aur iska concept, iski conception aap taiyar rakhiyega. Inshallah milte hain next lecture mein aur iska remaining portion mukammal karenge aur phir iske important questions aur jo past papers mein एडिशनल क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह ताला से इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप पे अपना खुसूसी करम करे, आपको आपके घर वालों को अपनी हिफाजत में रखे, और इस यकीन के साथ कि मैं भी आपकी दुआओं का हिस्सा हूँ, अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर. थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़.